वेल गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की योनो SBI एप्लीकेशन को जब आप ओपन करते हैं, ओपन करते टाइम अगर आपको भी यहाँ पर कुछ इस तरह का एरर आ रहा है जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप इस एरर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपका ये एरर सोल्व नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर आ चुके हैं। आज की इस ज़बरदस्त वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस सिखाने वाला हूं कि आप दोस्तों योनो SBI की किसी भी लॉगिन प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। योनो SBI एप्लीकेशन को लॉगिन करते टाइम अगर आपको भी कुछ इस तरह का एरर आपके सामने आ रहा है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इस एरर को सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको योनो SBI को अपने स्मार्टफोन में से अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस निकल के आएगा जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च करना है SBI ऑनलाइन एंड उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस निकल के आएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप कुछ ऐसे इंटरफेस पे यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपके सामने ये जो लॉगिन वाला है आपको एक टैब देखने के लिए मिल जाती है, इस टैब पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस निकल के आता है। यहाँ पर आपको सिंपली ये जो कंटिन्यू टू लॉगिन वाली टैब आपको देखने के लिए मिल जाती है, इस टैब पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस यहाँ पर निकल के आता है। तो दोस्तों मैंने अपने इस गूगल क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड में अनेबल कर रखा है। आपको अनेबल करने के लिए ये जो आपके सामने ऊपर की तरफ 3 डॉट देखने के लिए मिल जाते हैं, इस पर आपको क्लिक करना होता है एंड यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करना होता है एंड आपके सामने आपके मोबाइल के अंदर लैपटॉप वाला व्यू खुलकर आ जाता है। तो आपको यहाँ पर सिंपली आपके सामने यहाँ पर एक टैब आपको देखने के लिए मिल जाती है, फॉरगेट यूजर नेम एंड लॉगिन पासवर्ड की। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस निकल के आएगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड, देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसे इंटरफेस निकल के आएगा। यहाँ पर आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम, अकाउंट नंबर, कंट्री, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड कैप्चा फिल कर देना है एंड उसके बाद आपको सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सो दोस्तों हम यहाँ पर ये सारी डिटेल फिल कर देते हैं। दोस्तों मैंने अपनी कंप्लीट डिटेल फिल कर दी है एंड उसके बाद मुझे सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर ये मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद मेरे सामने कुछ ऐसे इंटरफेस निकल के आता है जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपका जो दोस्तों रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर एक OTP सेंड कर दी जाती है। मेरे पास भी यहाँ पर OTP आ चुकी है। मुझे सिंपली उस OTP को यहाँ पर दोस्तों फिल कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं आपके पास जो OTP आती है वो OTP सिंपली आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो हम यहाँ पर OTP एंटर करके कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर OTP एंटर कर दिया एंड उसके बाद हमें सिंपली कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम कन्फर्म बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ यहाँ पर इस तरह के 3 इंटरफेस निकल के आ जाते हैं। यहाँ पर हमें जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, आपको सिंपली इस फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, यूजिंग ATM कार्ड डिटेल एंड यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस निकल के आ जाता है। यहाँ पर आपके जो भी ATM कार्ड एक्टिव हैं वो ATM कार्ड आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। सिंपली आपको ATM को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ATM को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है एंड जैसे ही आप कन्फर्म बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस निकल के आ जाता है। यहाँ पर आपके ATM कार्ड के जो 16 डिजिट के नंबर होते हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ATM में आपका नाम क्या है वो नाम आपको एंटर यहाँ पर फिल करना है एंड जो आपकी यहाँ पर एक्सपायरी डेट है वो आपको फिल करनी है एंड जो यहाँ पर आपका ATM कार्ड का पिन है वो आपको एंटर करना है एंड जो आपका यहाँ पर कैप्चा है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है एंड उसके बाद आपको सिंपली प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं अपनी ये सब डिटेल फिल कर देता हूँ।
यहाँ पर दोस्तों हमने सारी डिटेल फिल कर दी है, देन हमें यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम दोस्तों प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं, हमारा प्रोसेस यहाँ पर सक्सेस हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रही हैं। अब दोस्तों हमें इस पेज को कहीं पर भी कैंसिल नहीं करना है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट यहाँ पर आपको मुश्किल से 30 से 50 सेकेंड का यहाँ पर करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम रिटर्न कर दिए जाएंगे न्यू पेज के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर दोस्तों न्यू पेज के ऊपर यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर हमें अपना न्यू लॉगिन पासवर्ड एंटर करना होगा, यानी कि आप अपनी योनो SBI का जो न्यू लॉगिन पासवर्ड बनाना चाहते हैं, जो आपको वहाँ पर एरर आ रहा था, उस एरर को सॉल्व करने के लिए तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग अपना न्यू लॉगिन पासवर्ड यहाँ पर सेट कर लीजिए। आपके पासवर्ड में आपको ध्यान रखना है, कुछ यहाँ पर कैपिटल लेटर हो, कुछ स्मॉल लेटर हो, एंड कुछ आपके स्पेशल करेक्टर हो, एंड कुछ यहाँ पर न्यूमेरिक नंबर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हम यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कर देते हैं। दोस्तों पासवर्ड आपको किस तरह से यहाँ पर बनाना है उसका मैं एक एग्जांपल आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा। उस तरह से आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अपना न्यू पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, आपका यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड सक्सेसफुल्ली चेंज हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, योर लॉगिन पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट सक्सेसफुल्ली, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है आप ध्यान से समझ लीजिए। आपको दोस्तों इस पेज को सिंपली नीचे की तरफ आपको मिनिमाइज कर देना है, एंड उसके बाद आपको प्ले स्टोर के ऊपर आना है। यहाँ पर आपको अपने स्मार्टफोन में योनो SBI लिख के सर्च करना है, एंड उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आएगा। यहाँ पर आपको इस फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने में 1 से 2 मिनट का टाइम लग सकता है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे स्मार्टफोन में योनो SBI की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। इंस्टॉल होने के बाद आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस निकल के आएगा। यहाँ पर आपसे लोकेशन को एक्सेस करने की परमिशन मांगी जाती है। सिंपली आपको ये परमिशन अलाउ कर देनी है, एंड उसके बाद आपको सिंपली रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं, आपसे फ़ोन कॉल को मैनेज करने की परमिशन मांगी जाती है, आपको अलाउ कर देनी है। देन आप के स्मार्टफोन में अगर 2 सिम पड़े हुए हैं तो आपको सिंपली यहां पर वो सिम सेलेक्ट करना है जो सिम आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है। तो हम यहां पर अपना वो मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं, एंड देन आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे SMS को सेंड एंड रीड करने की परमिशन आपसे मांगी जाती है। आपको सिंपली अलाउ बटन पर क्लिक कर देना है, एंड आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे ही आप यहां पर देख रहे होंगे, हमारे यहां पर एक टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। प्लीज वेट वाइल चेकिंग योर सिस्टम अवर योर मोबाइल नंबर, यानी कि हमारा मोबाइल नंबर स्टेट बैंक में लिंक है या फिर नहीं, ये दोस्तों यहां पर चेक किया जा रहा है। तो हमें दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम यहां पर अब आ चुके हैं मेन इंटरफेस के ऊपर। यहां पर हमें देखने के लिए मिल जा रहा है, यू ऑलरेडी हैव एन एक्टिव SBI इंटरनेट बैंक क्रेडेंशियल, प्लीज यूज योर इंटरनेट बैंक क्रेडेंशियल एंड रजिस्टर्ड योर सेल्फ फॉर योनो। आपको सिंपली प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है, देन आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों आपका जो यूजर नेम है वो यहां पर आपको एंटर कर देना है, एंड आपने जो अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट किया था वो न्यू पासवर्ड आपको यहां पर एंटर करना है, एंड देन आपको सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो हम अपना पुराना यूजर नेम एंड अपना न्यू पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया था वो हम यहां पर एंटर कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आता है। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP सेंड कर दी जाती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास OTP आ चुकी है। हम यहाँ पर ये OTP एंटर कर देते हैं। OTP एंटर करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आती है। सिंपली आपको सारी को रीड करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं, अब आपको अपना एक MPIN सेट करना होगा। MPIN को सेट करने के लिए फर्स्ट में आपको अपने अकॉर्डिंग MPIN एंटर कर देना है, एंड री एंटर MPIN में भी आपने जो MPIN अपना यहाँ पर एंटर किया था वो आपको एंटर करना है। तो हम अपना एक MPIN एंटर कर देते हैं।
एम पिन एंटर करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस निकल के आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर सक्सेसफुल्ली योनो SBI में लॉग इन हो चुके हैं। अब मैं आपको इस एप्लीकेशन को एक बार एग्जिट करके ओपन करके दिखा देता हूँ कि मुझे यहाँ पर अब लॉग इन प्रॉब्लम आएगी या फिर नहीं। दोस्तों हमने यहाँ पर इसे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम सर्च करते हैं योनो SBI एंड उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमने जो अपना एम पिन क्रिएट किया था वो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। एम पिन एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके सामने मैंने लाइव आपको योनो SBI की लॉग इन प्रॉब्लम सोल्व करके दिखा दी है। सो दोस्तों इस तरह से आप योनो SBI में आने वाली लॉग इन प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं।